अस्सलाम गाइस, मेरा नाम यासिर है। आप देख रहे हैं मेरा चैनल साइंटिफिक कोचिंग, साइंस के कोचिंग के उस वाले से मैं आपको गाइड करूंगा। आज का जो टॉपिक है फोर आर्म की एक्सरसाइज मैं बताता हूँ। फोर आर्म की एक्सरसाइज फ्लेक्सर्स के लिए कौन सी होती है, एक्सटेंसर्स के लिए कौन सी होती है, वो सारी चीज़ें मैं आज आपको एक्सरसाइज में बताता हूँ। ये जो हमारे बाजू हैं, बाजू का जो ये इंटीरियर साइड है, ये फ्लेक्सर्स हैं, ये एक्सटेंसर्स हैं। इन दोनों की अलहदा एक्सरसाइज हैं। ये दोनों की सेपरेट आप वर्कआउट करेंगे तो ये आपकी ग्रिप स्ट्रॉन्ग होगी। फ्लेक्सर्स एक्सटेंसर्स दोनों स्ट्रॉन्ग होंगे तो फोर आर्म की जो आपकी रिस्ट है वो स्ट्रॉन्ग होगी, आपकी ग्रिप स्ट्रॉन्ग होगी। दोनों में से एक चीज़ मिस कर देंगे तो ग्रिप स्ट्रॉन्ग कभी भी नहीं हो सकती। आगे चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। गाइस, मैं फ्लेक्सर्स की एक्सरसाइज करने लगा हूँ। फ्लेक्सर्स ये वाले मसल्स होती हैं जो बॉडी के इंटीरियर साइड है, ये इंटीरियर साइड है, इसके फ्लेक्सर्स हैं, इसे फ्लेक्सर्स मसल्स कहते हैं। इसकी एक्सरसाइज करने लगा हूँ। इसको कैसे लिफ्ट करना है, इसको बैठे बैठे कभी भी लिफ्ट नहीं करना, ना बैठे बैठे छोड़ना है। इसको ऐसे मैं उठाऊँ, ये मैंने ग्रिप की इसकी, फिर इसको उठ के ऐसे मैंने नीज पर रख लिया। अब मैंने सिर्फ सैडल जॉइंट में मूव करना है। एल्बो पूरी टच है मेरी मेरी थाई के साथ और मैं इसको ऐसे मूव कर रहा हूँ। जब मैं इसके रेप्स पूरे कर लूँगा, 10 से 12 रेप्स या 15 रेप्स, ये डिपेंड करता है किसी ने फोर आर्म गेन करनी है, किसी ने लीन करनी है। तो जब मैंने छोड़ना है, मैंने ऐसे खड़े होके ऐसे छोड़ना है, ये इसका क्राइटेरिया है। गाइस, अब मैं आपको एक्सटेंसर्स की एक्सरसाइज बताता हूँ। ये जो पोस्टीरियर साइड होती है बॉडी की, इसे कहते हैं एक्सटेंसर्स मसल्स। ये दोनों एक्सटेंसर्स मसल्स होते हैं। इसका कैसे वर्कआउट करते हैं, इसमें भी मैंने थोड़ा सा उठना है। इसकी ग्रिप वाइड है ऐसे, उसकी ग्रिप क्लोज थी फ्लेक्सर्स की, इसकी ग्रिप वाइड है, लेकिन क्राइटेरिया सेम है। एल्बो पूरी इसके ऊपर टच हो रही है और ये सैडल जॉइंट के ऊपर मैं मूव कर रहा हूँ, सिर्फ हैंड मूव कर रहा हूँ, इसे कहते हैं सैडल जॉइंट। अब इसको मैं मूव कर रहा हूँ, ये एक्सटेंसर्स की एक्सरसाइज है। इसके ऐसे रेप्स करके जब आपने छोड़ना है तो इसको भी ऐसे छोड़ना है, ऐसे खड़े होके ऐसे छोड़ देना आपने। ये सैडल जॉइंट है, इसके ऊपर आपने सारी मूवमेंट करनी है। फ्लेक्सर्स की भी मूवमेंट भी इसके ऊपर की है, एक्सटेंसर्स की मूवमेंट भी इसके ऊपर की है। फर्दर कोई क्वेश्चन हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ऑल नोटिफिकेशन में लाजमी क्लिक करें ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।